super delicious. Thanks Anurag ji for sharing this yummy recipe. This is style dum aloo, बहुत ही इजी बनाने में. फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ अपनी रेसिपीज जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स. तो स्टार्ट करेंगे जल से देसी दम आलू बनाना. दम आलू बनाने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो बेबी पोटैटोज आते हैं उनको मैंने अच्छे से छील कर पानी में डिप करके रखा हुआ है, ताकि ये काले ना पड़े. और स्टार्ट करेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज कट किया है और 3 मीडियम साइज के टमाटो की प्योरे बना के रखी है. अदरक लहसुन और हरी मिर्च रखी है. सबसे पहले पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे. ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है. ये सरसों ऑयल है, आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं. 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले जीरा. जीरा हल्का सा चटक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां कट की हुई. फ्रेंड्स, ये 6 से 7 कलियां हैं लहसुन की. हल्का ब्राउन हो जाएगा लहसुन तो हम इसमें प्याज डाल देंगे. प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे. प्याज जब तक कुक हो रहे हैं, ये देखो पानी में से मैंने आलू निकाल लिए. हल्का हल्का सा फोक की हेल्प से इनको प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम इनको दम पर पकाएं तो हर मसाले का टेस्ट अच्छे से इनमें आ जाए. फ्रेंड्स, इनको हम फ्राई नहीं करेंगे. आलू को फोक से मैंने प्रिक कर लिया. अब ये देखिए इसमें ना हम थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देंगे. 1/2 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी कम ही डालेंगे इसमें, और 1 हम इसमें करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड 1/2 छोटा चम्मच. अब इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे और इनको पहले हाई फ्लेम करके थोड़ा सा भून लेंगे. 2 से 3 मिनट स्पून चलाते हुए फ्लेम को हाई करके. फ्रेंड्स, वैसे तो दम आलू में जो आलू होते हैं उनको हम 50% तक हम फ्राई करते हैं, बट ये थोड़ा देसी स्टाइल है तो इसको हम मसाले में ही कुक करेंगे. ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसमें स्पून चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसको भुना है. अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए फ्लेम को स्लो करके ढक कर पकाएंगे, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए. 10 मिनट हो गए इसको ढककर पकते हुए, एक बार चेक कर लेंगे हम इसको फोक की हेल्प से ही चेक कर लेंगे. ये देखिए आराम से फोक जा रहा है इसके अंदर. इट मीन्स ये 50% तक, यानी 50% तक ये कुक हो चुके हैं. अब ये देखिए इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और ये जिंजर यानी अदरक डाल देंगे, और जो 3 टमाटर की प्योरे बना के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे. मिक्स कर लेंगे अच्छे से. अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फिर से हम ढक देंगे और फिर से टमेटोज के साथ इसको मिनिमम 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि इसका ऑयल अच्छे से ये पक जाए टमेटोज भी आलूओं के साथ, और इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए. फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे. 10 मिनट हो गए टमेटोज के साथ भी पकते हुए. ये देखिए इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, आलू बिल्कुल पक चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले. फ्रेंड्स, मसाला आपके पास कुछ भी पड़ा हो, चाहे किचन के कोई, चाहे मैगी का मसाला हो या फिर गरम मसाला, 1 चम्मच इस तरीके डाल देंगे हम. और साथ में अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी. और इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी हमें इसको गाढ़ा या पतला रखना है पानी ऐड कर देंगे.
नमक हम इस टाइम पे थोड़ा सा चेक कर देख लेंगे, अगर हमें कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा देसी घी का तड़का हम दोबारा से इस पे लगाएंगे। अभी इसको हम पानी के साथ 2 मिनट के लिए फिर से ढकने के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए, बस अच्छे से ये पक चुके हैं हमारे देसी स्टाइल ढाबा स्टाइल दम आलू। इसमें अब हम डाल देंगे खूब सारा कटा हरा धनिया, और सर्व करने से पहले इसमें हम हींग का छोटा सा तड़का लगाएंगे जो कि इसको और भी यमी बना देगा। देसी घी को अच्छे से गर्म करके थोड़ी सी मैंने इसमें डाली। फ्लेम को इस टाइम पे फ्रेंड्स हम ऑफ कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च और ये हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। हींग का तड़का ऊपर से लगा हुआ बहुत ही मजेदार लगता है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, ढाबा स्टाइल यमी से दम आलू बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। ऊपर से देसी घी का तड़का हींग वाला लच्छेदार परांठे, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको लच्छेदार परांठे बना के सर्व कीजिए, चाहे आप तंदूरी चपाती नान किसी के भी साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत ही यमी रेसिपी है और फ्रेंड्स ट्राई भी कीजिए, कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी।